अब वरना महिला के नाम पर कि वो कौन है पेस्टी वाली है बॉम्ब कट वाली औरत चली आएगी नौकरी में तो आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिलेगा। ये लालू यादव के सीनियर लीडर हैं। इनका नाम है अब्दुल बारी सिद्दीकी। बिहार में इनको आरजेडी का कद्दावर नेता माना जाता है, लेकिन ये क्या, ये महिलाओं के लिए क्या बोल रहे हैं? इनका ये बयान महिलाओं का सीधे तौर पर अपमान किए जाने के नजर से देखा जा रहा है। सबसे पहले सुनते हैं इनका पूरा बयान। अब वरना महिला के नाम पर कि वो कौन है पेस्टी वाली है बॉम्ब कट वाली औरत चली आएगी नौकरी में तो आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिलेगा। हम तो कहेंगे अरविंद जी को कि अभी आप ये अपना सम्मेलन कर दीजिए, अब बाद में ज्यादा नहीं 200 हमें तो मैक्सिमम 500 बिहार का अनुबंध दूसरा प्रपोज का चुनिंदा लोगों का एक वर्कशॉप और उस वर्कशॉप में डिफरेंट विषय पर परिचर्चा हो और उसको गांव तक पहुंचाए। तो क्या पाउडर लिपस्टिक लगाने वाली महिलाएं इनकी नजर में मजाक की पात्र हैं? पाउडर लिपस्टिक लगाने वाली और बॉब कट रखने वाली महिलाओं के प्रति इनका नजरिया क्या है, ये तो वही जाने। लेकिन सिद्दीकी की तरफ से महिलाओं को अपमानित करने वाले इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल है। केवल महिला नेताओं ने ही नहीं, दूसरे दलों के नेताओं ने जब इनको जोरदार तरीके से घेरा तब उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई भी दे डाली। और उस रैली में मतलब गांव गवई की औरतें, महिलाएं, माँ बहने सैकड़ों की तादाद में आई थी। तो जो गांव गवई की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, माँ बहने कहिए जो कहिए, तो सिर्फ महज उनकी जो समझ है, समझदारी है, उसमें समझाने के लिए हमने इस भाषा का इस्तेमाल किया था। हमारा मकसद कहीं से किसी को आहत करने का नहीं था। और अगर किसी ने इसको मैं लिया है अपने पे कि साहब हमने उनको आहत किया है, हमने उनको आहत नहीं किया। अगर वो महसूस करते हैं तो हम खेद व्यक्त करते हैं, मगर गांव गवई की भाषा, जैसे पहले सोशलिस्ट पार्टी समाज, ये समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेके बहुत सारे सोशलिस्ट जो है अपने वोटर्स को समझाने के लिए उनकी भाषा में अपनी बात रखते थे, वही बात हमने रखी है। अत्यंत पिछड़ा का सम्मेलन था, उसमें महिलाओं को हमने टीच किया। तो महिला आरक्षण के पक्ष में है आरजेडी? हाँ, महिला आरक्षण के सपोर्ट में है? महिला आरक्षण के, महिला आरक्षण के पक्ष में तो शुरू से है। राजनीति में ये तो फैशन है कि पहले गलत बयानबाजी कर किसी को भी अपमानित कर दो, फिर उसके बारे में सफाई देकर खुद की बचाव करो। इस राजनीतिक परंपरा को अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी बखूबी निभाया। फिर भी महिलाएं सिद्दीकी के सुप्रीम लीडर लालू यादव के इस बारे में क्या विचार हैं, जानना जरूर चाहेंगी, क्योंकि ठाकुर वाले बयान पर न केवल पूरा आरजेडी बल्कि खुद लालू यादव मनोज झा के साथ खड़े दिख रहे हैं। लालू यादव के मुताबिक मनोज झा बेहद ज्ञानी हैं और उन्होंने जो ठाकुर वाले बयान में जो कुछ कहा था वो ठीक कहा था। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि लालू यादव अपने सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी को ज्ञानी बताते हैं या महिलाओं के अपमान किए जाने पर उनकी क्लास लगाते हैं, या फिर वो इस पूरे मामले पर चुप्पी ही साध जाते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।